नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा काले धन और जाली नोटों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए पुराने नोटों को बंद किए जाने के निर्णय के खिलाफ जनता की दिक्कतों का हवाला देकर अब सभी विपक्ष दल एकजुट होने लगे हैं। कभी एक दूसरे के विरोधी रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी अब साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। राज्य और केंद्र में सरकार के साथ गठबंधन में खड़ी शिवसेना भी अब सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर इस मामले में संसद से सड़क तक हमले तेज कर दिए हैं। इस मामले में विपक्ष के दो गुट नजर आ रहे हैं। एक गुट कांग्रेस की अगुवाई वाला है, दूसरा केजरीवाल और ममता की अगुवाई वाला गुट। समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ साथ साथ खड़े हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल, द्रमुक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झामुमो और वायस कांग्रेस भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर भाजपा के सहयोगी दलों में शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय का पुरजोर विरोध कर विपक्ष का साथ देने का ऐलान किया है। नोटबंदी मामले में सरकार पर एक साथ धावा बोलने की रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस ने सोमवार के बाद मंगलवार को भी कई दलों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। दूसरी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, जबकि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से देश हित में सरकार का साथ देने की बात कही थी। विपक्षी दलों की इस्लामबंदी के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रात में ही भ्रष्ट तरीके से कमाए कांग्रेस के 12 लाख करोड़ रुपए को रद्दी में बदल दिया। 10 साल के सोनिया मनमोहन राज में हर महीने एक घोटाला होता था। 2G, CWG, कोल ब्लॉक आवंटन, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, विमान खरीद घोटाले उनमें से कुछ एक हैं। इसके जरिए कांग्रेसी नेताओं ने 12 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो 3 आम बजट के बराबर है। मोदी ने उसे रद्दी के ढेर में बदल दिया। 8 नवंबर को उठाए गए कदम से कांग्रेसी नेताओं के चेहरे की चमक चली गई है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में पेट्रोल और डीजल हुआ सस्ता, अब बैंक से नोट बदलने पर लगेंगे इंक के निशान। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, नोटबंदी पर हंगामे के आसार। पुराने नोटों को लेकर नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने मांगी मोदी से मदद। कट्टरपंथी जाकिर नाइक के एनजीओ पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध।